जिले में चेन स्नैचिंग, लूट, हत्या, चोरियों जैसी बढ़ती वारदातों से नाराज विधायक रवि जोशी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि जवाहर मार्ग पर एक साथ 8 दुकानों के ताले टूटना, भिकनगांव पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर लाखों रुपए की लूट, शहर में दिन दहाड़े महिला को बंदूक का डर दिखाकर मंगलसूत्र लूटना पुलिस की नाकामी दर्शाता है। विधायक ने कहा, जिले के अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रहा, यही कारण है कि उमरखली में मामूली बात पर कहर समाज के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या मामला है? मैं भोपाल से रात को देर रात को आया हूं। आते ही मैंने खरगोन के पुलिस अधीक्षक जी से टाइम लिया कि आज मेरे को आवश्यक मिलना है। कंट्रोल रूम में बैठक चल रही थी, मैंने समय अभाव था मेरे पास, मैं सीधा कंट्रोल रूम पहुँचा हूँ। 6 तारीख को कविता भट्ट हमारी बहू के साथ रिवाल्वर अड़ा के उसका मंगलसूत्र दिन दहाड़े तोड़ा। परसों 9 तारीख को भिकनगांव के अंदर हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे वरिष्ठ साथी प्रवीण जैन के पेट्रोल पंप पे लूट हुई, डकैती डाली गई। बबलू राजा वर्मा नाम का लड़का, पिछले 5 दिन पूर्व उसकी हत्या होती है। घटनाएं दिन दहाड़े हो रही है, कई लोगों की लूट और डकैतियाँ हो रही, कई लोगों की हत्याएं हो रही है। आज 3 लोगों ने पड़वा के अंदर, अभी मेरे को मालूम पड़ा कि पाइजन पी लिया है, आपसी विवाद के अंदर विवाद हो रहे हैं। पुलिस समस्याओं के समाधान नहीं कर पा रही, पुलिस डकैतों को पकड़ नहीं पा रही। मैं प्रशासन से, एसपी साहब से मिलकर अभी उनसे निवेदन करा है कि पहली बात है, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप 2 दिवस के अंदर घटना से संबंधित डकैतों को, चोरों को, हत्यारों को पकड़ें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा हमको बड़े आंदोलन के रूप में होना पड़ेगा। पुलिस चोरों से, डकैतों से, हत्यारों से मिली है, जो अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। डकैतों ने डाका डाला, 72 घंटे होने आ रहे हैं, 72 घंटे होने आ रहे हैं, डकैत एक भी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं है। 6 तारीख को कविता भट्ट नाम की हमारी जो बहू लगती है, उसका मंगलसूत्र रिवाल्वर आ रखे तोड़ा, उसका आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। राजा वर्मा का हत्यारा आज तक गिरफ्तार नहीं है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, पुलिस अधीक्षक जी से हमने निवेदन कर लिया कि आप पुलिस की सख्ती करें और ऐसी घटनाओं की, खरगोन जैसे शांत प्रिय जिले में अब घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। आपने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन डकैतों को, हत्यारों को और चोरों को नहीं पकड़ पा रही, 5-4 दिन पूर्व जवाहर मार्ग जो खरगोन का हृदय स्थल है, वहाँ 8-8 दुकानों के एक साथ ताले टूटते हैं, तो निसंदेह हम कहेंगे कि पुलिस की मिलीभगत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।